नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग भारत का इतिहास देख चुके हैं, आपका विश्व का इतिहास भी देख चुके थे, भारतीय कला एवं संस्कृति को भी देख चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो इसमें अभी तक हम लोग दो क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास थी आपकी भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय संविधान की रचना किस तरह से हुई है, और ये आपकी तीसरी क्लास है। इसमें बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। इसमें हम लोग उद्देश्य क्या देख लेंगे और मुख्य स्रोत क्या हैं, संविधान के कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इनको देख लेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है एक क्लास। ठीक है, बने रहिए। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखना। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतने अनुच्छेद किसी भी संविधान, किसी भी देश के संविधान में नहीं है, ना ही 22 भाग किसी संविधान में, ना ही 8 अनुसूचियां इतनी। वो ये सभी कब का बता रहा है, जब मूल रूप यानी कि 1949 में जब हमारा संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो उसमें आपके 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 450 से अधिक ही अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हुए। याद रखिए, इस अनुच्छेद बदलते रहते हैं आपके, तो इन्हें करंट से जुड़े रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। 450 प्लस ही अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं इसमें और 12 अनुसूचियां हो गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये आपका इंदिरा गांधी के समय संशोधन हुआ था और बहुत बड़े स्तर पर इसमें संविधान में अपने में संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम। तो याद रखना, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं आपके। सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनमें मूल कर्तव्यों एवं मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। और याद रखिए, आपको इन दोनों को तो याद रखना ही चाहिए। अगर आप इंडियन हैं यानी कि भारतीय हैं, तो हर भारतीय को इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 26 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति के साथ पास किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद के अनुसार उद्देश्य का संविधान कांग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देश्य को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में संविधानिक अधिनियमों की व्याख्या
की जा सकती है। अगर हम लोग उद्देशिका में विस्तृत प्रमुख शब्दों की बात करें, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, यानी कि जनता ही मालिक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है यह कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि अनुवांशिक नहीं। यानी कि आप इस तरह से नहीं ले सकते जैसे जापान का सम्राट नियुक्त किया जाता है, उन्हीं से राजतंत्र, मतलब उनके दादा, फिर दादा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, इस तरह से आते जाएंगे। जनता का कोई रोल नहीं रहता है उनमें चुनने में, लेकिन भारत का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा उसे जनता चुनेगी, ठीक है, जनता की भागीदारी से ही राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। अगर हम लोग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। याद रखना, समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये आपके कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि कुछ प्रावधान आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान के लागू किए गए थे, उनमें आपके नागरिकता हो गई, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे अनुच्छेद संविधान में शामिल किए गए थे उस समय। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ जैसा कि आपको पता होगा संपूर्ण रूप से आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ, उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। तो याद रखना, कुछ प्रावधान आपके 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, लेकिन पूरी तरह से संविधान कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी उद्देशिका देख लेते हैं, ये कभी आप इंटरव्यू में पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो आपको याद रख सकते हैं। वैसे भी भारत में रह रहे तो इस तरह की जो भी प्रावधान होते हैं उन्हें याद रखा करिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी कि 26 नवंबर 1949 मिति माघ शीस शुल्क सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आपका जो पूरा संविधान है उद्देशिका में ही समाहित है, जो भी आपके फिर अधिकार हों, चाहे मूल उद्देश्य हों, कर्तव्य हों, जो भी है पूरा इसी में समाया हुआ है उद्देशिका में, इसी के चारों ओर घूमता रहता है। इससे भी आपका क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, किससे? संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, ये आपके वनडे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस इसी से आते हैं आपके। समिति,
और इसके अध्यक्ष, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्यारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति A.N. सिंघा, मूल अधिकार उप समिति J.B. किपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी। इन्हें याद रखना है, ये सभी आपकी समितियाँ हो गई और इनके अध्यक्ष हो गए। इसमें से प्यारूप समिति को भी बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसमें से ये भी कई बार पूछ लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की महिला सदस्यों के बारे में। कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी मैस्क्रीन, दक्षिणी बेल्यादुन, हंसा मेहता, ये सभी आपकी संविधान सभा की महिला सदस्य थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारूप समिति के सदस्यों के बारे में। जैसा कि आपको पता हुआ, प्यारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इनके सदस्यों में शामिल थे N. गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, M. माधव राव, इन्हें B.L. मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था, D.P. खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामचारी को नियुक्त किया गया था, याद रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे संविधान के स्रोत क्या रहे हैं। कुछ अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, रूस। तो देख लेते हैं क्या कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्रोत रहा है संविधान का भारत शासन अधिनियम 1945। इससे क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सभी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ब्रिटेन का संविधान, इससे क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्वि सदनीय व्यवस्था, ये सभी आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी प्रावधान आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, याद रखिए। लेकिन जो भी, जैसे आप मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रावधान लिए गए वो तस के मस नहीं रख दिए गए हमारे संविधान में, जो हमारी ज़रूरत है उनमें से उन्हीं को लिया गया है, ठीक है, बदल के। जैसे हमारे यहाँ मूल अधिकार की ज़रूरत है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, हूबहू नहीं लिए गए हैं, लेकिन कुछ बदलाव करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिए गए हैं। अगर हम लोग आयरलैंड का संविधान की बात करें तो इससे लिए गए हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगर कनाडा का संविधान की बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ
संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सभी आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का संविधान संवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिए गए। जर्मनी का वाइमर संविधान, यानी कि जर्मनी से क्या लिया गया है संविधान से, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया प्रावधान। अगर सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ, अब जिसे रूस बोला जाता है उसे पहले सोवियत संघ बोलते थे, तो इससे मूल कर्तव्य लिए गए हैं आपके। प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श भी लिया गया है। अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसमें आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। जापान का संविधान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपके जापान से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहीं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। क्या है संघ और राज्य क्षेत्र? भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या फिर भारत से नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या फिर भारत से के नाम से संबोधित किया गया है। संविधान विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? अगर हम लोग भारत की बात करें कितने अभी करेंट में, तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी कला यही है कि आप लोग क्या करा करिए कि इन्हें करंट में से जुड़ा रहिए, जिससे बदलाव होता है। जैसे भारत का संघ, इसमें आपके 28 राज्य बचे हुए हैं। कितने? 28 राज्य, क्योंकि आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई है, यानी कि 370 अनुच्छेद खत्म, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, उसे हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह आपके 28 राज्य बचते हैं और इस तरह आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। कितने? 9। ठीक है, याद रखिए। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। पता है आपको? अभी आपका जो आपका जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया है, इसमें जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी। ठीक है, याद रखिए, यानी कि यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली जैसा मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और लद्दाख में आपका कोई विधानसभा नहीं होगी, केवल केंद्र शासित प्रदेश रहेगा इसमें। ठीक,
अगर हम लोग भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता की बात करें तो इसे भी हम लोग यहीं देख लेते हैं अपना। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। अगर कोई पूछे आपसे कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित किया गया है तो आपको कहना है बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है। और संविधान के भाग दो में, संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक केवल एक हरी एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी कि अमेरिका में आपकी डबल नागरिकता होती है, एक उनकी अमेरिका की नागरिकता, दूसरी जो स्टेट है 50 उनकी नागरिकता होती है। ठीक, तो दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन आपके अन्य यहाँ भारतीय एक नागरिकता है क्या? आप भारतीय हैं। अगर मान लीजिए कि आपके राज्य अलग होते और भारत की अलग नागरिकता मिली होती और राज्यों की अलग, तो इसे दोहरी नागरिकता बोल देते। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद में। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1950 पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या फिर उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकता है, यानी कि नागरिकता उसकी खत्म कर सकता है। उसे विश्वास हो कि नागरिक नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, तब भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, तब भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रहा, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल में रहा हो, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नागरिकता का परित्याग अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। याद रखिए। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।